40वां अध्याय तक के ग्रंथ भाग को श्रीमद् भगवद् गीता के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग भगवद् गीता के त्रयोदश अध्याय पर है। त्रयोदश अध्याय में भगवान क्या कहेंगे ये पहले प्रतिज्ञा करते हैं। क्या बोलते हैं, पहले क्षेत्र और क्षेत्र को एकदम शरीरम कौन तो क्षेत्र में अभिधीयते और फिर इसको जानने वाले को क्षेत्र बोलते हैं और फिर वहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं। तत् क्षेत्र जत्र जात्री जद विकारी जतस्य जत स च यो यत् प्रभावस्य तत् समासेन मेष्टिनो। ये भगवान की प्रतिज्ञा। इस अध्याय में जैसे किसी ग्रंथ के शुरू में आप सूची पत्र नहीं लिखते हैं क्या बोलेंगे आप इस ग्रंथ में क्या, इसी प्रकार भगवान जब अपना सूची दे रहे हैं इसका अध्याय में क्या कहने जा रहा हूँ। क्या कहने जा रहे हैं भगवान, क्या बोलते हैं आपसे कि तत्म जत्र जल विकारी जतस्तु। इस प्रकार से आप जो है वो जो पहले बोल कर आया यहाँ पे वो पूरा हो जाता है। कहाँ पे इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञम योगतम समास मदभक्त एतद विकल मदभावते। यहाँ पे पहला जो श्लोक के पहला पाद है उसमें जो प्रतिज्ञा की थी वो कथन पूरा हो जाता है। इस प्रकार से हमने क्षेत्र के बारे में तुमने कहा महाभूतानि अहंकार से लेकर के ज्ञान के बारे में भी कहा आपको अमानित से लेकर तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन तक और ज्ञो क्या क्या आपको जो 12 से लेकर 10 से लेकर के जो है यहाँ तक जो आया था ज्ञान गुम ज्ञान 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 गुम गिरि सर्वस्वृष्टिगतमसफल ये जो है यहाँ तक जो ज्ञो के बारे में कथन हुआ। अब इसको जानेगा कौन, मद भक्त अधिकारी मुख्य रूप से भगवत भक्ति है। इसको जान करके क्या कहते हैं भगवत भाव के साथ ये भगवान के साथ एक हो जाते हैं। ये जब भगवत भाव मतलब भगवान के साथ एक होने के लिए वो योग्य बन जाते हैं ऐसा कहते हैं। इतना कथन करने के बाद फिर जो है जत विकारी जत सजत वो क्षेत्र किसका विकार है और किससे क्या उत्पन्न हुआ ये जो कहना चाहते हैं तो कैसे मतलब क्षेत्र और पुरुष से कैसे संसार चलते हैं वो कथन करने के लिए
दो श्लोक के द्वारा यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये प्रकृति के बारे में बताया, पुरुष कैसे अपने बंधन में आता है वो दो श्लोक के द्वारा बोलेंगे। ऐसे यहाँ पे मतलब टीका करते हैं। अब देखो कल हम यहाँ तक पढ़ लिए थे कि प्रकृति पुरुषम च उभौ अपि अनादि एव विद्धि, ठीक है, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। अनादि किसको बोलते हैं, न विद्यते आदि कारणम ययो, जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता उसको अनादि कहते हैं। मतलब अतीत कोटि के अंदर नहीं होते, अनादि मतलब जिसका कोई पास हमेशा वर्तमान रहता है। यहाँ पे दो प्रकार अनादि शब्द को दो प्रकार, एक अनादि शब्द मतलब जिसके पीछे कोई कारण ना हो, और क्या होता है जो जिसका कभी पास्ट ना हो, मतलब जो हमेशा वर्तमान है अनादि। यहाँ पे बोलते हैं जो मतलब जिसका पीछे कोई कारण नहीं है, इस अर्थ में लिया गया है। यहाँ पे इस अर्थ में न विद्यते आदि कारणम यह तीन दोनों का कौन दोनों है, प्रकृति और पुरुष। तो तथा ये प्रकृति का अनादित्व कैसा है, प्रकृति अनादित्व सर्व जगत कारण, प्रकृति संपूर्ण सृष्टि के कारण है, परंतु प्रकृति का कोई कारण नहीं है, प्रकृति का कोई कारण नहीं है, इसीलिए प्रकृति अनादि है। आदि मतलब जिसका उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो प्रकृति किसी से उत्पत्ति नहीं होती, वो अपने आप में है, इसीलिए प्रकृति को अनादि कहा गया है। नहीं आप समझ में, दो प्रकार से मतलब जो जिसका कभी कोई पास नहीं होता, एक ये अर्थ होता है, और जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता है, जिसके पीछे कोई यहाँ पे जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, मतलब जो सबका कारण है, ये हो गया यह अनादि शब्द। तथा प्रकृति अनादित्व सर्व जगत कारण, प्रकृति अनादि क्यों कह रहे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे, क्योंकि समस्त सृष्टि के वही कारण है, इसीलिए उसके पीछे कोई कारण नहीं है, इसलिए प्रकृति अनादि। तस्यापि कारण, यदि वो प्रकृति भी किसी कारण के सापेक्ष में उत्पन्न हुई होती, प्रकृति भी यदि किसी कारण के सापेक्ष में उत्पत्ति हुई होती तब क्या होता, अनावस्था तो होता, क्योंकि वो भी किसी के सापेक्ष में उत्पन्न होगा, भी किसी किसी के साथ में जिस कारण से उत्पत्ति हुई है वो भी किसी कारण से आया, इसीलिए उससे अनावस्था दोष आ जाते हैं। सभी वादियों को एक जगह पे आके बोलना पड़ा कि इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, जो जहाँ से सृष्टि मानी है तो वहाँ पे से आगे उसको ये कहना पड़ा कि इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। सभी वादी को, कोई परमाणु को बोले, कोई प्रकृति को बोले, और कोई जो है चाहे आत्म ब्रह्म को बोले, जो जैसे में मानते हैं सबके यही मान्यता है। यदि उसमें भी हम कारण ढूंढने जाएंगे तस्या भी कारण सापेक्ष अनावस्था प्रसन्न, तो अनावस्था दोष आ जाता है उसमें। अच्छा ठीक है, प्रकृति अनादि क्यों हुआ, क्योंकि सभी के पीछे का कारण है सृष्टि में। तो पुरुष अनादि कैसे हुआ, पुरुष में अनादित्व कैसे आएगा, बोलते पुरुष से अनादित्व तब धर्माधर्म प्रयोगत्व, क्योंकि पुरुष के द्वारा किए हुए धर्माधर्म के आधार पर ही प्रकृति सृष्टि करती है। पुरुष के द्वारा किए हुए धर्माधर्म के आधार पर ही प्रकृति सृष्टि करती है। तो यदि प्रकृति को आप अनादि मानोगे तो आपको धर्माधर्म को भी अनादि मानना पड़ेगा। आज ये धर्माधर्म को अनादि मानोगे, धर्माधर्म के आश्रय पुरुष, उसको अनादि मानना पड़ेगा। धर्माधर्म का आश्रय कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, जीवात्म करते हैं, इसलिए उसको भी आपको अनादि मानना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं पुरुष अनादित्व, पुरुष में जो अनादित्य धर्म है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तब धर्माधर्म प्रयुक्तत्वात् कृष्णस्य जगत, ये संपूर्ण जगत की सृष्टि पुरुष के द्वारा किए हुए धर्माधर्म के आधार पर ही होता है। इसलिए ये सृष्टि भगवान अपने मनमर्जी नहीं बनाया, जीव की कर्म के अनुसार कौन जीव की किस कर्म की फल कहाँ कैसे मिलेगा, कहाँ कैसे मिलेगा, उसके आधार पर सृष्टि को बनाया, और उस व्यक्ति को उस फल को भोगने के लिए उस समय वहीं पे पहुँचाता भी है, और जिस निमित्त से फल भोगा जाता है उस निमित्त भी वहाँ रहता है। इतना सूक्ष्म भगवान की ये सृष्टि में ये खेल चल रहा है, समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे आकर के हमें सुख मिल जाए तो यहाँ का दुख मिल जाए, वैसा किया हमने सिखा सकते, क्योंकि यहाँ का ये दुख हमारे पूर्वकृत कर्म के अनुसार, हमारा सुख हमारे पूर्वकृत कर्म के अनुसार लिखा हुआ है, और जब तक लिखा हुआ तब तक हम यहाँ पे रहेंगे, और जब यहाँ का दुख अथवा सुख का प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तब कल अंतर शांत लोकांतर करेंगे।
श्रीरे पुरुषस्य अनादित्यं धर्मार्थं प्रयुक्तत्वात् कृष्णस्य जगतः हर्ष शोक भय संप्रतिपत्ति। क्योंकि संपूर्ण जगत में हमको क्या दिखाई पड़ता है? सत्यगुण के कारण खुशी दिखाई पड़ता है, रजगुण के कारण शोक दिखाई पड़ता है, तमोगुण के कारण भय दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है? वो पुरुषों में दिखाई पड़ते हैं, पुरुष में चेतन तत्व में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए होता है सभी वादी को इस विषय में किसी बात के विषय में विवाद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव को भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न प्रकार के रहते, एक ही वस्तु को देख करके किसी को खुशी हो रहा है, किसी को डर लग रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, एक ही वस्तु को देख करके, एक ही वस्तु को देख करके किसी को जो है आपको मतलब श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है, किसी के अंदर से विपरीत भाव अश्रद्धा उत्पन्न हो रहा है, होता है। तो ये जो है इसी के ऊपर सृष्टि में भिन्नता है, इसी के ऊपर सृष्टि का भिन्नता है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो तब क्या हो जाएगा? कृत हानि अकृत अभ्यागम प्रसंगात। ये जो है अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश भी बोलते हैं। कृत हानि, एक छोटा बच्चा बचपन में अस्पताल में पैदा हुआ, फिर ये मैंने अपना आंख से देखा, उसका यहाँ सीरीज नाक में ट्यूब लगा हुआ है, और एक छोटा बच्चा मात्र को साया नहला थोड़ा कि बिस्तर में लेटा दिया, इन दोनों में भिन्नता क्यों हुई? इन दोनों में भिन्नता क्यों हुई? छोटा बच्चा को बचपन में तो कुछ भी पाप नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया, मतलब तो फिर भी उसको किसी पीड़ा की दर्द क्यों सहन करना पड़ रहा है? यदि आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा ही होता है, तब क्या हो जाएगा? वो कृतनाश बोलते हैं इसको। कृतनाश मतलब कृतहानि, मतलब वो जो पूर्व जन्म में कर्म किया हुआ है कुछ कर्म आपका दृष्टि सूक्ष्म नहीं है, आप कभी समझ नहीं पा रहे हैं कि एक बच्चा को बचपन में जब उसने कुछ कर्म, कोई वो हंसता है अपने आप से होकर, कभी तक प्रसंग से कुछ नहीं है, कभी देखना बच्चे को हंसते हुए रोते हुए भी ये देख बिस्तर में लेटा हुआ है, सोया हुआ अचानक रोना शुरू कर दिया, हो सकता है कुछ पेट आदि में दर्द हो, वो बता लगा, फिर उसके पीछे भी उसका तो सामान नहीं भोजन है वो। फिर और तीसरी क्या है कि ये जन्मांतरवाद को नहीं मानेंगे तो एक छोटा बच्चा, चाहे बंदर की बच्चे की प्रवृत्ति और बिल्ली की बच्चे की प्रवृत्ति, मनुष्य की बच्चे की प्रवृत्ति, जब मातृ स्थान पहले उसके मुंह में जाता पहले बार, उसको कौन सिखाता है इसको क्या करना है? या कि जन्मांतर मृत शरीर को देख करके डरता क्यों है? बच्चे को कौन सिखाए? इससे क्या सिद्ध होता है? पहले इस चीज के अनुभव उसकी है। सीधे बोलते हैं यहाँ पे अन्यथा, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो कृत हानि मतलब प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है ये बच्चा दुख भोग रहा है और उसके पीछे हम कुछ लॉजिक नहीं दे पा रहा है, तब हमको दुखी जन्म में तो बच्चा कुछ पाप नहीं किया तो उसको ऐसा पीड़ा की अनुभव हो रहा है, इसलिए अनुभव हो रहा है कि उसका जन्मांतरिक कर्म कुछ था, क्योंकि कारण के बिना कार्य होना संभव। ठीक इसी प्रकार से किसी मत शब्द जातु शिशु को जो है भय जनित, फिर अंग संकुचन शरीर को संकुच के कारण, अथवा जो रोता है सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इसी प्रकार से जो अकृत अभ्यागम मतलब यदि इसके पीछे कोई कारण नहीं मानोगे तब क्या हो जाएगा कि जो काम उसने जो पाप नहीं किया तो फिर भी उसको भोगना पड़ रहा है, अथवा जो पाप किया यदि उन्हें तो उसका नाश हो गया है। इस प्रकार एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत जीवन की एक एक करके पैसा जोड़ करके बड़ी मुश्किल से जो है मतलब केदारनाथ दर्शन के लिए गए, पैदल चल करके गए, केदारनाथ दर्शन करने के बाद आते ही उसका हार्ट अटैक हो गया, तो वो जो उसका पुण्य है क्या पुण्य नाश हो जाएगा? पुण्य कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं उसको भोगना पड़ेगा उसको। तो ये जो है यदि आप ऐसा नहीं मानोगे तो तब क्या हो जाएगा? मतलब ये पुरुष की अनादित्व तो नहीं, किस किस विषय में बोल रहे हैं? प्रकृति कैसे अनादि है? क्योंकि सृष्टि के आदि तत्व है, पुरुष की अनादित्व तो क्यों मानना चाहते हो? क्योंकि पुरुष की धर्माधर्म सृष्टि के लिए हेतु है,
और एक धर्म धर्म यदि अनादि नहीं होता, मतलब धर्माधर्म के सापेक्ष में सृष्टि होती है, सृष्टि अनादि है तो धर्म धर्म को भी अनादि होना पड़ेगा। और धर्म धर्म किस कास्ट में रहते, पुरुष कास्ट में रहते, इसलिए पुरुष को अनादि माना गया है। और यदि आप इसको नहीं मानेंगे तो क्या दोष होगा, कृतहानि और अकृत अभ्यागम, कृतहानि अकृत अभ्यागम प्रसंग, मतलब जो किया उसका फल नहीं भोगा और कभी क्या होगा, नहीं करने पर भी फल भोगना पड़ रहा है। जो किया उसका फल नहीं मिला, मतलब इस शरीर में शरीर छूट गया तो क्या हो गया, हमने जाप यज्ञादि धर्माचरण किया उसका फल मुझे नहीं मिला, है ना। और क्या हुआ कि जो हमने नहीं किया इस शरीर में कुछ, फिर भी मैंने बचपन में दुख भोगना पड़ रहा है। ये पूर्वमीमांसा दर्शन कम से कम हमारे लिए इतना अच्छा कर दिया, क्या कर दिया, शरीर से भिन्न मैं हूँ। जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं स्वर्ग काम ज्योतिषम जते, तो स्वर्ग कामना करने वाला ज्योतिषम जाप करे अथवा अग्निहोत्र अनहर जते, तो उस व्यक्ति जानता है कि इस शरीर से मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, पर उसका विश्वास है कि शरीर से भिन्न कोई एक मैं तत्व हूँ जो इस कर्म को संपादन कर रहा हूँ और जो मैं इस कर्म का फल लोकांतर में कालांतर में भोगेंगे। यदि ये विश्वास उसका नहीं होता तब क्या होता, तब उसका कृत हानि, मैंने कर्म किया उसका फल नहीं मिला, ठीक है ना। और अकृत अभ्यागम मतलब अचानक कोई व्यक्ति अगर स्वर्ग में पहुंच गया तो कुछ किया नहीं उसका सुख भोग रहा, अथवा कुछ किया नहीं फिर उसको दुख भोग रहा है, पशु शरीर मिल गया उसको, कोई ना कोई जीव तो वहाँ होगा। तो किसी को पशु शरीर देख करके, किसी को देख, आप पशु में भी देखिए, कोई कुत्ता गाड़ी में घूम रहा है और कोई कुत्ता एक रोटी के लिए खाऊ खाऊ कर रहा है, ऐसा तो मनुष्य भी होता है, क्यों इसके पीछे, इस जब आपको सामान्य युक्ति से नहीं दिखाई पड़ता है तब आपको मानना पड़ेगा ये पूर्व की तो कर्म ही इसके पीछे हेतु है ना। इसीलिए पुरुष को अनादि माना गया है, अन्यथा कृत हानि अकृत अभ्यागम प्रसंगात। ये दोनों को अच्छी तरह से समझ के रखना, क्यों प्रकृति और पुरुष को अनादि कहा जा रहा है, उसके पीछे ये लॉजिक है। पुरुषस्य अनादित्यं तद् धर्माधर्म प्रयुक्तत्वात् कृच्छनस्य जगतः शोक हर्ष शोक भय संप्रतिपत्ति अन्यथा कृत हानि अकृत अभ्यागम प्रसंगात्। जतः प्रकृतिर अनादि अतः तस्याः भूत निमित्तं दुःखं, क्योंकि प्रकृति अनादि है इसलिए, क्योंकि इतर जोनिनी भूतानि सर्वानि दुःखधारो, पहले बोल कर खाया समस्त भूतों की सृष्टि के पीछे ही कारण है, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति अष्टता है, परा प्रकृति चेतन तत्व है जीव। तो प्रकृति अनादि अंतः अतः तस्य भूत जो नित्यम उक्तम प्राप्त उपपद्यते, क्योंकि पहले ही कहा जो युक्ति संगत होने के कारण इति आहुषि को मन में रखते हुए यहाँ पे कहता है विकारस्य गुणस्य विद्धि प्रकृति संभवान। जितना भी विकार दिखाई पड़ते हैं, जो भी गुणों की क्रिया दिखाई पड़ते हैं, वो कहाँ होता है, दो तत्व बताए आपको प्रकृति और पुरुष, तो विकार और गुण ये कहाँ पे रहता है, प्रकृति में पुरुष में नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि विकारस्य, विकार कितना है, सांख्य दर्शन के अनुसार 16 केवल विकार है, 25 तत्व है। एक तो प्रकृति भी नहीं है, विकृति भी नहीं है, वो है पुरुष। और प्रकृति जो है वो प्रकृति है परंतु विकृति नहीं है, मतलब वो किसी के कार्य नहीं है परंतु उससे उत्पन्न होता है। और उसके बाद जो आया हुआ है अहम तत्व, महत तत्व और पंच तन्मात्रा, ये प्रकृति भी है विकृति भी है, मतलब एक दूसरे के लिए कारण है। इस प्रकार आपको प्रकृति से, मतलब मूल प्रकृति से जिसको वो लोग प्रधान भी बोलते हैं, वहाँ से अहम तत्व, अहम तत्व से महत तत्व, फिर महत तत्व से आकाश तन्मात्रा, भूत फिर वायु तन्मात्रा, तन्मात्रा आए हुए हैं। ये हो गया आपका प्रकृति भी है विकृति भी है, मतलब वो कारण भी है कार्य भी है, ये कार्य होते हुए भी दूसरी की उत्पत्ति के लिए, अगला वस्तु की उत्पत्ति के लिए कारण मानते हैं, इसलिए इसको प्रकृति और विकृति दोनों बोलते हैं। तो एक हो गया प्रकृति भी नहीं है विकृति भी नहीं है, और एक हो गया केवल प्रकृति है विकृति नहीं है, और सात हो गया प्रकृति भी है विकृति भी है, कितना हो गया, 7 + 2 = 9 है ना। 7 हो गया प्रकृति है विकृति, 1 हो गया केवल प्रकृति विकृति नहीं है, और 1 प्रकृति भी नहीं है विकृति भी नहीं है, हो गया पुरुष। और 16 तत्व है, 16 तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, 16
ये केवल विकार ही विकार है, ये प्रकृति नहीं, केवल विकार मात्र है। ये सांख्य दर्शन में सांख्य की 25 शब्दों को उन लोगों ने ऐसे गिनाया, सांख्य की 25 शब्द। इसीलिए आप बोलते हैं विकारांश्च 16, कितने विकार है? 16 विकार। कौन कौन है? पंच महाभूतानि, है ना, एकादश इंद्रियानि, है ना, पंच महाभूत और 11 इंद्रिया। 11 इंद्रिया कौन कौन है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। ये पंच महाभूतानि एकादश इंद्रियानि च, ये हो गया आपका विकार। गुणांश्च, और जो भी गुण दिखाई पड़ता है, सत्य रजतम रूपान, और उसका कारण गुण नहीं दिखाई पड़ते, गुण का कार्य दिखाई पड़ते हैं, सुख दुख मोहान, जो सुख सत्य गुण का कार्य सुख होता है और रजगुण का कार्य दुख होता है और तमगुण का कार्य मोह होता है, ये जितने सारे गुण है उनका कार्य, ये कहाँ से आया? प्रकृति संभवान, वो प्रकृति से उत्पन्न होता है, पुरुष में न गुण है न गुण उत्पत्ति के लिए हेतु है, प्रकृति संभवान एवं, मतलब प्रकृति कारकान, प्रकृति कारणकान एवं विद्धि, मतलब प्रकृति कारण वाला, मतलब इसका घट क्या हो गया? मृतिका कारण वाला, क्योंकि घट मृतिका के विकार है, ठीक है ना, इसलिए घट हो गया मृतिका कारण वाला, घट मतलब मृतिका जिसका कारण है। इसी प्रकार से जो गुण जो है और जो है वो प्रकृति कारण वाला है, इसलिए प्रकृति कारणकान एवं विद्धि, इस प्रकार से जानो, यानी कि सारा विकार जो है प्रकृति में, पुरुष में नहीं है। शंकरवादी भी मानते हैं, पर बड़ी विचित्र बात है, जब विकार नहीं है वो कर्तृत्व कहाँ मानते हैं? प्रकृति में। और भोक्तृत्व कहाँ मानते हैं? पुरुष में। उसको लेकर के अपना श्लोक आया, और उसके कारण से जो है जन्म होता है उसका। जब कोई व्यक्ति अविकारी है प्रकृति, तो वहां भोक्तृत्व कहाँ से आएगा? भोक्तृत्व भी एक प्रकार के विकार है, कर्तृत्व तो पुरुष में नहीं है, काम करेगा कौन? प्रकृति। भोगेगा कौन? पुरुष। तो यही भगवान इसी को दिखा रहे हैं यहाँ पे, अगला श्लोक में देखिए। तो यहां तक हो गया हमारा 19 तक, ठीक है। विकारानां प्रकृति संभवत्वं विवेचयन् पुरुषस्य संसार हेतुत्वं दर्शयति, समस्त विकार प्रकृति से उत्पन्न होता है, इसको विचार पूर्वक दिखा करके पुरुषस्य संसार, पुरुष को संसार में आते हैं, पुरुष अनादि के लिए कैसे कारण बनते हैं उसको दिखाते हैं। यद्यपि उस कर्तृत्व और भोक्तृत्व के साथ पुरुष का संबंध नहीं है, परंतु अज्ञान से वहाँ पे वो तादात्म्यता कर लेते हैं और यही उसकी उत्पत्ति के लिए हेतु बन, मतलब पुरुष की उत्पत्ति और शरीर की उत्पत्ति के लिए हेतु बन जाता है, हेतु बन जाता है। पुरुष में ना कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है, परंतु अज्ञान से वो कहाँ पे है? बुद्धि में, मन में, अंतकरण में है, वो अज्ञान से उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं और उस तादात्म्यता के कारण उसके शराब्दिक एक शरीर उत्पन्न होता है। आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, किसकी होते हैं? शरीर की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा तो अनादिकाल से चलता आ रहा है, लेकिन और वो केवल मात्र ज्ञान के द्वारा ही नाश होता है, दूसरे किसी कारण से जीवत्व नाश नहीं होता। इसलिए विकारी नाम विकाराना प्रकृति संभवत्तम विवेचय, समस्त विकार प्रकृति से उत्पन्न होता है, इसको विचार करके दिखाने करके पुरुषस्य संसार हेतुत्वं, पुरुष क्यों संसार के लिए कारण बन जाता है, पुरुष कैसे संसार के लिए कारण बनता है, तो उसको दिखलाते हैं। पुरुषस्य संसार हेतुत्वं, आप क्या कहते हैं? आपको यहाँ पे दर्शयति संसार हेतुत्वं दर्शयति कार्य, मतलब श्लोक के लिए प्रतीक दे रहे हैं, क्या लिखा आपको पुस्तक में? प्रकृति को पूरा पढ़िए, प्रकृति को पूरा पढ़िए। विकाराणां प्रकृति संभवात् संभवत्वं विवेचयन् पुरुषस्य संसार हेतुत्वं संशयति कार्यते दर्शयति, संशयति नहीं होगा वहाँ पे, दर्शयति वो दिखलाते हैं। संशयति मतलब पुरुष का संसार हेतु क्यों है, वो संशय करते हैं, तो यदि संशय करते हैं उसको उत्तर में श्लोक बोलते हैं। अरे हम दर्शयति सीधा लिखते हैं,
यदि आपके पुस्तक में संशयति है तो मतलब पुरुष संशय के में कैसे हेतु बन जाते हैं। पुरुष तो सर्वत असंग है, वो सृष्टि के लिए हेतु की संशय मतलब सृष्टि सृष्टि के लिए हेतु कैसे बन सकते हैं, तो आप ये अर्थ करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे यहाँ पे पुरुष संसार के लिए हेतु कैसे बनते हैं वो दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, दर्शयति, जब दर्शयति होगा तब हम कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं। और संशयति अथवा संशय कथयति ये भी हो सकता है, संशय करते ये भी बोल सकते हैं। देखिए तो उसको हिंदी में क्या लिख दिया, तो उसको संशोधन कर दीजिए, तब दर्शयति कर दीजिए उसको। यदि हिंदी में दिखलाते हैं लिखा हुआ था, दर्शयति करते नहीं, संशोधन कर दीजिए उसको। अरे ये रिपनम जी, हमारे पास मैसेज आया हुआ है जो ये जो गीता की क्लास का जो है ना क्रम इधर उधर हो गया है, कोई एक मैसेज भेजा, ये हमारा सुबह का क्लास का भी कुछ ऐसा है क्या, किसकी किसी क्रम से चल रहा है। ये ब्रह्म विद्यापीठ की जो आई मेल है ना उसमें एक मैसेज भेजा है, थोड़ा देख लो ब्रह्म विद्यापीठ की मेल में क्या तरह था। तो कोई क्रम में कुछ इधर उधर हो तो वो अपने आप ही ठीक कर सकते, मतलब हमारे यहाँ पे रहने से तो क्रम में कुछ ही तो है, उसको संशोधन करने का तो उपाय तो है। हाँ तो थोड़ा सा मैं सूचित करने के, मैं भूल गया आपको बोलने के, इस समय पता नहीं किया है कि ये संशोधन की बात आए ना तो वो संशोधन दिमाग में आ रहा है, एक संशोधन की बात है दूसरे संशोधन नहीं आता। संसार हेतुत्वं दर्शयति, अब श्लोक में कार्य कारण कर्तृत्वे, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। आपके पुस्तक में कार्य कारण लिखा है कि कार्य करण लिखा है? करण। हमारे पुस्तक में कारण लिखा है, वो करण भी है कारण भी है, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं, बहुत सुंदर बोलिंग हुआ। कार्य और करण, कार्य हो गया शरीर, करण हो गया इंद्रिय, मैं करता हूँ इस प्रकार का जो भाव है ना, ये जो है उसके लिए कारण क्या है, प्रकृति, प्रकृति हेतु रुच्यते मतलब कार्य हो गया देह और कारण हो गया इंद्रिय, इसमें जो कर्तृत्व के साथ संबंध होता है ना उसके कारण प्रकृति है, कि प्रकृति है। और फिर सुख दुख कौन भोगता है, चेतन तत्व होगा पुरुष, पुरुष का जो पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ये जो भोक्तृत्व होता है ना वो पुरुष ही उसके लिए हेतु है। क्या पुरुष क्या करता है, वो देह इंद्रिय का अलग असंग होते हुए भी उसके साथ तादात्म्य करके सुख दुख को भोगता है। पुरुष में सुख दुख नहीं है, परंतु क्या करता है शरीर इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके वो सुख दुख की भोग करता है। ये तादात्म्य होता है पुरुष की कमी है, बुद्ध की कमी है, इसलिए पुरुष सुख दुख, पुरुष जो है ये सुख दुख की भोग में वो हेतु बनता है, सुख दुख की भोक्तृत्व संबंध में हेतु पुरुष को ही कहा जाता है। और कर्तृत्व में देखिए मतलब सांख्यवादी की सिद्धांत है कि कर्ता प्रकृति है पुरुष भोगता है, ठीक है ना। ठीक है भगवान के सिद्धांत कैसे है वो हमने समझाएंगे अभी कि कैसे पुरुष में भोक्तृत्व कैसे आता है। हम भी बोलते हैं अरे मैं दुखी हूँ मैं सुखी हूँ, मैं तो कब से दुखी भोगा मारा जिंदगी भर दुखी भोग रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं, अपने को दुखी मानते हैं, क्यों मानते हैं ऐसा। तो देखिए इसके उत्तर ये भाष्य में देखिए, कार्यम शरीरम करणानि इंद्रियाणि, हमारे देखिए श्लोक में कारण लिखा है हमारे और भाष्य में करण लिखा है, और आपने आप बोलेंगे कि कार्य कारण यदि ऐसा भी पाठ है तो भी अर्थ यही होगा, अर्थ में भिन्नता नहीं है, मतलब कारण को करण में ट्रांसफर करके अर्थ करना पड़ेगा। कार्य शरीरा शरीरम कार्यम शरीरम करणानि इंद्रियाणि तत्स्थानि जो शरीर में थे त्रयोदश, ये बड़ा मामला हो गया।
त्रयोदश बोल रहे हैं, एकादश इंद्रिया बोलते हैं। यहाँ पे आपके पुस्तक में लिखा है त्रयोदश, त्रयोदश तब क्या मानेंगे इसको? तत्स्थानी त्रयोदश पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय दस हो गया मन बुद्धि चित्त को ले अहंकार, अहंकार तो कॉमन है सबके साथ, तो इसलिए अंतकरण को एक मानेंगे तो एकादश इंद्रिय होगा, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय और एक अंतकरण, ये वही इंद्रिय हो गया। अब तब आपको सांख्य दर्शन में प्राण को कोई अलग तत्व नहीं माना, जैसे वेदांत में पंच ज्ञान सूक्ष्म शरीर में हम क्या बोलते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त एक विंशति मुख उपनिषद में आता है, 19 मुख वाला है ये, प्रविविक्त हो सूक्ष्म आहार करने वाले हैं, तो 19 मुख वाले होने के कारण पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार। कहीं पर 17 बोला है तो वहाँ पर मन के साथ चित्त को ग्रहण कर लेंगे और बुद्धि के साथ अहंकार को ग्रहण कर लेंगे, परंतु वो हो गया आपका। और जहाँ पे त्रयोदश बोला हुआ है तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब प्राण और अंतकरण, ऐसा मन दो मान के अंतकरण के दो मन बुद्धि और प्राण जो हो जाएगा आपका। प्राण जब तक भी कारण नहीं है परंतु व्यापार करते हैं उनके व्यापार के कारण हो पाते हैं। अब इसके आपके किसी के आपके पुस्तक में त्रयोदश लिखा हुआ है तो उसका कोई डिटेल दिया है, त्रयोदश इसको लेकर के बोल रहे हैं। हमारे पास जो है उसी में से लेना पड़ेगा, उसी को सजा बुझा के लेना पड़ेगा। त्रयोदश इंद्रिय छांद को मराइए, वो जो प्रश्न उपनिषद के चौथा प्रश्न में बोला था पायो च गंतव्य पादो च गंतव्य हस्त आदत आदत्तव्य च, इस प्रकार वहाँ भी 13 का कथन किया हुआ है एक एक करके इंद्रिय को लेकर के। बुद्धि च बोधयितव्य च अहम च अहम कर्तव्य च प्रश्न पूछा जाए, वहाँ पे त्रयोदश पढ़ने चाहता है तो ये त्रयोदश का कैसे बोल रहे हैं। जैसे मैं इनमें से 13 लेना है, 13 में क्या लेगा, पंच ज्ञानेन्द्रिय इंद्रिय को करणानि इंद्रियानि तत्स्थानी मतलब स्थूल शरीर में विद्यमान है वो कितना है, 13 है, 13 है। देह आरम्भकानि भूतानि विषयस्य इह कार्यग्रहणेन गृह्यन्ते, यहाँ पे एक शब्द बहुत अच्छा बोल दिया, पंच ज्ञानेन्द्रिय है ये तो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, परंतु एक जगह से जब आपका शरीर उत्पन्न होगा वहाँ पे वो सूक्ष्म शरीर जब जाता है ना वो भूत सूक्ष्म के तरह परिवेष्टित होते हुए जाता है। भूत सूक्ष्म क्या हो गया, भूत सूक्ष्म वो है आप अपना अगला शरीर, भूत तो चतुर्थक भूमान में पंच महाभूत है, भूत हर जगह उपलब्ध है, वहाँ पे भूत को ले जाने की क्या आवश्यकता है। बोलते हैं प्रत्येक जीव अपने पूर्वों के तो कर्म के अनुसार वो जो अगला शरीर को प्राप्त करने जा रहा है उस शरीर में जिस संस्कार को उद्भूत होना है वो जो है भूत सूक्ष्म कैरी करके ले जाता है और वो जा करके वहाँ के जिस शरीर उत्पन्न होगा उसके साथ मिल करके जैसे ही शरीर मातृगर्भ से बाहर आता है अथवा किसी भी जगह पे शरीर उत्पन्न हो गया वो संस्कार उद्भूत हो जाता है, चाहे स्वर्गीय स्वर्गीय संस्कार हो चाहे नारकीय संस्कार। तो ये जो आप बोलते हैं देह आरम्भकानी भूतानी, शरीर को आरंभ करने के लिए पंच महाभूत और भूत सूक्ष्म और केवल एक तात्पर्य है कि विषयाश्च इसको सबको कार्य के अंदर ये ग्रहण हो जाएगा, कार्य कर्म कर्तृत्व हेतु प्रकृति सब जो कार्य कर्म कर्तृत्व में क्या होता है, हेतु क्या है, प्रकृति है, प्रकृति को माना है तो कार्य हो गया शरीर, कर्म हो गया इंद्रिय और उसके साथ जो है शरीर आरंभ जो भूत और विषय ये सबको कार्य ग्रहण न गृहंत कार्य शब्द के द्वारा ये सब ग्रहण हो जाएगा। ये सब प्रकृति के विकार है, ये सब प्रकृति के विकार है, ये भूत सूक्ष्म को विचार जो है ये हमारा कठोर परिषद में पहला आया है भगवान भाष्यकर ने लेकिन ब्रह्मसूत्र में भी आया हुआ है, ये बहुत सूक्ष्म वस्तु है कि क्या होता है, तन्मात्रा और भूत सूक्ष्म एक नहीं है, सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म एक वस्तु नहीं है, विवेचन भी आया है यदि आप उसको ठीक से पढ़ पाए मुझा कर पाएंगे तो वहाँ भी आया हुआ था। तन्मात्रा को हम बोलते हैं सूक्ष्म भूत और भूत भूत
बहुत सूक्ष्म बोलते हैं, वो पंचीकृत पंच महाभूत का, पंचीकृत पंच महाभूत का वो तन्मात्र अपंचीकृत पंच महाभूत है, पंचीकृत पंच महाभूत का वो सूक्ष्मतम अंश है जो देखा नहीं जाता। अब एक बात और भी है, सूक्ष्म शरीर कभी भी अकेला नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर हमेशा स्थूल भूत से घिरा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे किसी भी शरीर में आप देखेंगे, और यही सूक्ष्म शरीर को अक्षत बना के रखने के लिए वो क्या है, स्थूल भूत की तरह परिवेष्टित होते हुए जाता है। यहाँ पे जब दिखाई पड़ता है, ये ब्रह्मसूत्र बहुत अच्छी तरह से इसको समझे हैं कि कैसे भूत सूक्ष्म क्यों आवश्यकता क्यों है और क्या काम करता है। अब ये भूत सूक्ष्म जो संस्कार कैरी करके ले गया, जब अगला शरीर प्राप्त करेगा वहाँ पे पंचमहाभूत है, इसलिए पंचकृत पंचमहाभूत है, उसके साथ ये मिल जाएगा। अब जो शरीर उत्पन्न होगा, चाहे बंदर शरीर हो, चाहे देवता शरीर हो, चाहे मनुष्य शरीर हो, उस शरीर में इस कर्म, इस शरीर के कर्म के अनुसार जो संस्कार उद्भूत होना है वो उद्भूत करने में मदद करता है, वो अभिव्यक्त होने में मदद करता है। ये जय भूत आरम्भ पानी भूतानी विषयश्च इह कार्य करने न क्रियन्ते, और विषय को भी अभी कार्य ग्रहण कहता है। गुणाश्च गुण क्या कार्य है, और गुण भी प्रकृति के विकार है, सुख दुख महात्मा कहा, सत्यरजतम सत्य गुण सुख उत्पन्न करता है, रजगुण दुख उत्पन्न करता है, तम गुण मोह उत्पन्न करता है। कर्ण आश्रयत्वात्, अब यहाँ पे कर्ण शब्द बोला ना, वो सुख दुख मोह किसके आश्रय में होता है, इंद्रिय जब विषय ला करके देते हैं तभी अनुगुण अपने सुख दुख मोह उत्पन्न होता है, वो साथ मन रहता है, वो कर्ण के आश्रय में गुण की क्रिया की अभिव्यक्ति होने के कारण कर्ण शब्द के द्वारा वो गुण को भी ग्रहण हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं गुणाश्च, मतलब कार्य ग्रहण है ना, गृहते सुख दुख महात्मा का कर्ण आश्रयत्व, उसको कर्ण ग्रहण है ना गृहते, कार्य शब्द के द्वारा विषय और भूत का ग्रहण हो गया, भूत सूक्ष्म का भी ग्रहण हो गया, और कर्ण शब्द के द्वारा तीन गुण और गुण के कार्य का भी ग्रहण हो गया। गृहते उस प्रकृति के विकार है, तेषां कार्य करणानां, इस प्रकार से वो जो कार्य और कर्ण उसकी जो कर्तित्व मतलब उसकी जो क्रिया दिखाई पड़ता है, मतलब तद आकार परिणामे, कर्तित्व के आकार में जो परिणत होता है उसके पीछे हेतु कौन है, हेतु मतलब कारण कौन है, प्रकृति, प्रकृति प्रकृति उच्चते किन लोगों के द्वारा बोला जाता है, महर्षि भेष महान ऋषियों के द्वारा ऐसा कहा गया है, महान ऋषियों के द्वारा कोई भी व्यक्ति, इसलिए भगवान श्री कृष्ण छोड़ सब प्रकृति जानते भूतानि निग्रह किम करिष्ये, सभी जीवा के प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं, ये प्रकृति ही सारा विकार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्य करण क्षमता सब प्रकृति का विकार है। इसलिए बोलते हैं तेषां कार्य करणानां कर्तृत्व, तद कर्तृत्व मतलब तद आकार परिणाम, मतलब मनोवृत्ति कर्तृत्व रूप में परिणत हो गया, इसके पीछे हेतु कौन है, कार्य मतलब कारण, प्रकृति उच्चते प्रकृति को कहा जाता है किसके द्वारा, महर्षि भी महान ऋषियों के द्वारा मतलब मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा। आगे लिखा है कार्य कारण इति दीर्घ पाठे, लिखा है आपके पुस्तक में, तो कहीं पे करण पाठ भी है कहीं पे कारण पाठ भी है, ठीक है ना, हमारे पुस्तक मूल में तो कारण है अर्थ करते उसमें करण कर दिया, कार्य कारण इति दीर्घ पाठे अभी सदैव अर्थ, बस यही अर्थ ही मानना पड़ेगा, यह अर्थ में तो भिन्नता नहीं होगा। एवं इस प्रकार से प्रकृति संसार कारणत्वं व्याख्याय, इस प्रकार से प्रकृति का में, प्रकृति में क्या बैठा है, संसार की कारणता कहाँ बैठा है, प्रकृति में, प्रकृति संसार कारणत्वं, प्रकृति में संसार की कारण, प्रकृति का षष्ठी है वो संसार कारणत्वं व्याख्याय, वो संसार के लिए कारण है ऐसा व्याख्या करके, पुरुषस्वपि यादृशं तत्, पुरुष में भी जैसा जिस किस प्रकार से वो कारणता है तत् अहम, ठीक है, पुरुषस्यापि यादृशं तत्, पुरुष भी कैसे संसार के लिए कारण बन सकता है, उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यदि भोग की इच्छा नहीं होगी तो संसार चलेगा कि नहीं चलेगा, भोग की इच्छा से पूरा संसार घूम रहा है, पूरा भोग की इच्छा से, इसीलिए और भोग की इच्छा चेतन में होता है कि जड़ में होता है, चेतन में, इसलिए पुरुष को भोगता मानी, पुरुष के अंदर ये उच्च इच्छा तो उत्पन्न करते हैं प्रकृति और बुद्धि उसमें तादात्म्यता कर देती है, इच्छा उत्पन्न मन में होता है और बुद्धि अहंकार परिच्छिन्नता में तादात्म्य करा देते हैं, यही जो है सृष्टि के लिए हेतु बन जाता है। पुरुषस्य
प्रकृति के इच्छा से पुरुष का मन में होता है ना? नहीं, इच्छा तो मन की है, विकार है, मन प्रकृति है। पुरुष में इच्छा होता है तभी तो प्रकृति करता है, प्रकृति का नहीं। पुरुष तो सर्वथा असंभव है, पुरुष में इच्छा नहीं होती, इच्छा तो मन में होती है, और पुरुष उसका प्रकाशक है। और पुरुष उसका प्रकाशक होते हुए अज्ञानी क्या करता है, वहाँ पे तादात्म्य कर देता है। वो ये मन की विकार वो नहीं समझ पाता है, वो मेरा विकार है, मेरे को ये चाहिए। मन में कुछ भी उठा, मैं बनारस जाके पढ़ाई लिखाई करूँगा, कहाँ हुई, मन में भी पंत साहब में एक मैप बनाया ना, परिच्छिन्न मैप, वो बस मेरा वो कर्म में प्रवृत्त करा देगा। यदि पुरुष की व्यापकता जो पूर्णता जब तक अनुभव में नहीं आता, तब तक वो मनोवृत्ति के साथ अंतकरण की वृत्ति के साथ आत्मता कर लेते हैं। ये हम बोलते हैं कि एवं प्रकृति संसार कारणत्वम व्याख्याय, इस प्रकार से प्रकृति का संसार की कारणता कैसे है उसको व्याख्या करके, पुरुषस्वपि जाति शब्द पुरुष में भी संसार की कारणता कैसे हो सकता है, तब उसी को कहते हैं पुरुष। कौन है देखो, क्षेत्रज्ञ वही पुरुष है, और वही जो है परा प्रकृति भी है। पहले सातवां अध्याय शुरू में उसी को जो है परा प्रकृति भी बोल कर क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आकर उसको क्षेत्रज्ञ भी बोला पहले, अब उसी को पुरुष भी बोल रहे हैं। पुरुष क्षेत्रज्ञ परा प्रकृति यदि प्राग व्याख्यात, इसका हमने पहले व्याख्या कर क्या है, पुरुष क्षेत्रज्ञ परा प्रकृति, पुरुष कौन है, वही क्षेत्रज्ञ है, वही ईश्वर की परा प्रकृति है, यदि प्राग व्याख्यात इसको पहले। पुरुष सुख दुख मोहाना भोग ज्ञाना, है ना, सुख भोग की इच्छा होती है, दुख भोग की इच्छा नहीं होती है, ये भी एक प्रकार की इच्छा ही है। और मोह में अंधकार अज्ञान में आपने भोग भोग वस्तुओं का सर्वेशम अपि भक्तृत्व, सभी वस्तु प्रकार की भोग भोक्तृत्व, मतलब भोक्ता के अंदर रहने वाला धर्म को बोलते हैं भोक्तृत्व, है ना, भोक्ता के अंदर रहने वाले गुण को बोलते हैं भोक्तृत्व। और उस प्रकार की भोक्तृत्व में वृत्ति, ये भोक्तृत्व क्या वस्तु है, देखिए वृत्ति उपरक्त उपलब्धि हेतु रुच्यते, मतलब चित्त प्रतिबिंबित बुद्धि वृत्ति में, बुद्धि वृत्ति और उसमें चैतन्य की प्रतिभा पुरुष के प्रतिफलन हो रहा है ना। आगे बोलेंगे पुरुष प्रकृति भूमते प्रति होना, तो अगले श्लोक में आएंगे कैसे होता है, मतलब क्या हो गया, चित प्रतिबिंब है बुद्धि वृत्ति में जो चैतन्य के प्रतिबिंब, वो आप वहाँ पे वृत्ति तो त्रिगुणात्मक वृत्ति होती है, सुख दुख महात्मा का, उसमें चैतन्य का प्रतिफलन हुआ। आप जैसे क्या है, दर्पण यदि आपका टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, प्रतिफलन क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होता है कि नहीं। दर्पण यदि छोटा दर्पण का आप देखेंगे आपको इतना बड़े बड़े नाथ, कभी लंबा होता बड़े बड़े नाथ आते हैं, कभी कभी मैदान में जाने आता है। अब जो हमारे अंतकरण जो दर्पण है वो त्रिगुणात्मिक है, सुख दुख, अब जो चैतन्य का प्रतिफलन होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी त्रिगुणात्मिक ही होगा, चैतन्य प्रतिफलित होगा, उसे टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। ये जो है आपका पुरुष की भोग है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर के आपने कोई इतना 6 फीट का शरीर आपको इतना दिखाई दे रहा है, इतना मोटा दिखाई दे रहा है, हुआ कि नहीं, आपने आप उतना मोटा पतला बन गए नहीं बना, पर प्रतीति क्या हो रहा है, वैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ठीक यही पुरुष की भोक्तृत्व है, वास्तविक पुरुष की भोक्तृत्व नहीं है, वो मन रूपी दर्पण में त्रिगुणात्मक वृत्ति वाला प्रकृति का विकार है, उसको प्रतिफलित होकर के उस रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि भोक्तृत्व व्यक्ति में देखो वृत्ति उपरक्त, मतलब क्या होगा, चित्त प्रतिबिंब बुद्धि वृत्ति में जो सुख दुख महात्मक जो विषय का संस्पर्श होता है वही पुरुष का उसी पुरुष का, वो पुरुष को अपना मान लेते हैं, पुरुष उसको अपना मान लेते हैं, वो नहीं समझ पाता है कि मैं असंग हूँ, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। जैसे हमें स्पष्ट दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने से ये बोध है कि मैं ऐसा नहीं बना हूँ, मैं अभी भी जैसा 6 फुट का वैसे ही हूँ नहीं, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। अंतकरण के दर्पण में अंतकरण वृत्ति के साथ अपने को मिले, छोटा बच्चा देखना रोना शुरू करता है क्योंकि उसको पता नहीं है, हाँ मैं ये कैसे हो गया, रोना लगेगा मैदान में जाकर, क्यों उसको पता नहीं। ऐसे ही हम लोग सभी अज्ञानी जीव का स्थिति है, बस मैं बता। और दूसरा क्या है, भोग इच्छा रहता है मन में, वो भोग इच्छा क्या करता है, हमको ठीक से आपको समझने में नहीं देता, उसी को सतावत करता है, सतावत करता है, इसीलिए एक पुरुष का भोग तृप्ति।
वृत्ति उपरक्त उपलम्भे उच्चते मतलब चित्त प्रतिबिंब बुद्धि वृत्ति में सुख दुख महात्मा जो विशेष पर संस्पर्श है यही पुरुष का भोग, यही पुरुष का भोग यही है पुरुष। अभी होता कैसा है उसको लेकर के देखिए कितना सुंदर श्लोक आगे दे रहे हैं। अगला श्लोक उपकार जब पुरुषस्य सुख दुख भोक्तृत्व संसारित्व इति उक्तम, ठीक है, ये जो पुरुष में सुख दुख के भोक्तृत्व यही पुरुष का संसार के लिए हेतु बनता है, तस्य किम निमित्तम, उसका निमित्त क्या है, उसका निमित्त क्या है, पुरुष चाहे प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। जब पुरुष नहीं करता क्योंकि बुद्धि कर लेती है, वो बुद्धि कर लेती है, प्रकृति का विकार है, और वही बुद्धि जब समझ जाती है, क्या समझ जाती है, ये प्रकृति मेरा कोई काम की नहीं है, तब क्या है वो बुद्धि उसको छोड़ भी देती है, प्रकृति को छोड़ देते हैं, पुरुष का अलग कर देते हैं। इसी सांख्य दर्शन में मानते हैं प्रकृति ही पुरुष को भोग और अपवर्ग दोनों देती है, प्रकृति ही पुरुष को भोग और अपवर्ग दोनों देती है। प्रकृति क्यों, क्योंकि प्रकृति का विकार बुद्धि, और बुद्धि क्या करता है पुरुष को प्रकृति के साथ तादात्म्य करा देती है, और बुद्धि मैच्योर होने पर क्या करता है ना, ये प्रकृति मैंने कोई काम कर रही है तो उसको छोड़ देते हैं, पुरुष ऐसा और किसी चिंता। इसी बोलते हैं जब पुरुषस्य सुख दुख भोक्तृत्वं संसारित्वम् इति उक्तं तस्य किं निमित्तम्, इसका निमित्त क्या है इति उच्यते, उसको कहते हैं। ठीक है, श्लोक को पढ़ लेते हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो हि, पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जान गुणान कारणं गुणसंगोस्य, कारणं गुणसंगोस्य सत असत योनि जन्मसु, सत असत योनि जन्मसु पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुणसंगोस्य ही, मतलब क्योंकि पुरुष पुरुष प्रकृतिस्थ प्रकृति प्रकृत्यां स्थित इति प्रकृतिस्थ, मतलब प्रकृति में स्थित होकर के, प्रकृति में स्थित कैसे होगा पुरुष, पुरुष तो असंग तत्व है, यही अज्ञान की माया माया की महिमा। पुरुष प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृति में स्थिर होकर के प्रकृतिजान गुणान भूमते, प्रकृति से उत्पन्न होने वाला जो तीन गुण है उस तीन गुण और उसे कार्य को भोग करते हैं, यही जो उसका तीन गुण की भोगना यही उसका सत असत जोनि प्राप्त करने के लिए निमित्त बन जाते, सृष्टि के लिए निमित्त बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं अस्य पुरुषस्य च सत असत जोनि जन्मसु गुण संग कारणम, है ना, अस्य पुरुषस्य ये जो सत असत जोनि में जन्म लेता है उसका कारण क्या है, गुण के साथ संग दादा मतलब प्रकृति के साथ दादा करके आपने देखना बस एक दिन। अस्य च पुरुषस्य सत असत जोनि जन्म सु सत असत जोनियों में उसका जन्म के पीछे जो हेतु क्या है, गुण संग कारण गुण के साथ दादात्म कर लेना मतलब प्रकृति के साथ दादात्म करके ही उसका जन्म के लिए हेतु बनता है ना। पुरुष के वास्तविक जन्म तो पुरुष में नहीं है, जन्म तो प्रकृति का विकार में शरीर की उत्पत्ति होती है, पर तो वहाँ पे तादात्म करके मैं पैदा हुआ देवो तत्व जन्म हुआ देवो तत्व मरा इस प्रकार बोलते रहते हैं। इसमें आगे बोलते हैं तो अन्य तो सामान्य है पुरुष प्रकृतिस्थ प्रकृति जान गुणान भुंते अस्य च पुरुषस्य सदस्य योनि जन्मसु गुण संग कारण गुण के साथ तादात्म होता है उसके लिए हेतु है। ये प्रकृति क्या है, प्रकृति माया मिथ्या एव तादात्मेन उपगत प्रकृतिस्थ, ठीक है ना, प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब माया त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणात्मिका माया की हम प्रकृति बोलते हैं, ताम मिथ्या उस मिथ्या प्रकृति को तादात्मेन उपगत उसके साथ एकात्मता को अनुभव करके एकात्मिक उपगत इसी को बोलते हैं प्रकृतिस्थ। वही विचित्र बात है, मतलब कैसा लगता है देखिए, इस प्रकार
स्वप्न काल में कोई शरीर के साथ हम एकत्र होकर के सुख दुख को भोगते रहते हैं। जब तक वो शरीर वहाँ पे नहीं है, स्वप्न का जो शरीर को मैंने उत्पन्न किया वो शरीर वहाँ पे नहीं है, वहाँ तो हमारे मन ऐसा है वो शरीर के साथ ऐसा कदात्मा करके, और वहाँ पे सुख दुख जो होता है वो प्रातिभाषिक सुख दुख नहीं है, वो व्यवहारिक सुख दुख है। व्यवहारिक प्रातिभाषिक वस्तु के साथ और व्यवहारिक बुद्धि से तादात्म्य करके व्यवहारिक सुख दुख भोगते हैं, जबकि वस्तु वहाँ पे है नहीं। बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है, ये वस्तु यहाँ पे है नहीं। पारमार्थिक ज्ञान होने से ही पता लगेगा, बल्कि परंतु इसके साथ ऐसा तादात्म्य करके हम एक ने कई जन्म में सुख दुख भोगी रहे भोगी रहे। ये भारी विचित्र वेदांतिक सिद्धांत है। देखो इतना बोल रहेगा तो हमें प्रकृति माया ताम मिथ्या एवं तादात्म्य न उपगत, इस मिथ्या के साथ एकत्व को अनुभव करके, मतलब एक रूपता को अनुभव करके प्रकृतिष्ठ प्रकृति में स्थित हो जाता है। ये एवं पुरुष में पुरुष उस प्रकार करके भोगते, मतलब उपलब्धते, क्या उपलब्धते, क्यों प्रकृति जान गुणा प्रकृति से उत्पन्न वाले गुण को भोग करते हैं। अतः प्रकृतिज गुण उपलम्ब हेतुषु, अब जब प्रकृति के गुण का हमने अपना मान लिया तो क्या होगा, इसी कारण से हमको सत असत योनियों में पैदा होना पड़ता है। सत मतलब अच्छा, असत मतलब बुरा, और सत असत मतलब मिला हुआ अच्छा बुरा ज्ञान जोड़े, इसलिए होता है। अतः प्रकृतिज गुण उपलम्ब हेतुषु, प्रकृति की गुण को, प्रकृति की अच्छा बुरा सुख दुख को मतलब उपलब्धि करना, ये जो है ना। आप देखो बाजार में दो व्यक्ति लड़ रहा था, एक व्यक्ति सोचा कि वो लड़ रहा है मैं जाके बीच समझौता करवा दूं, और उल्टा उनका दोनों ने मिलकर पिटाई कर दिया। होता है कि यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि प्रकृति के अंदर गुण है, पुरुष सर्वथा असंग है, वो गुण कैसे है देखो, देखने में जाकर वह फंसता है, मजे की चीज है। आप हंसेंगे इससे, अपनी मूर्खता का हंसी आएगा, फिर तब आप इसको छोड़ देंगे। अरे क्या प्रकृति में उगरा, उससे मेरा क्या बनता, मैं सर्वथा असंग हूँ पूर्ण इस भाव में रहूँ ना, एकदम इसको दूसरा लिखने की शैली भी देखे इतना सुंदर बोलता है। अतः भगवान बोला ऐसा है कि अतः प्रकृति जो गुण उपलम्ब हेतुषु सद सद जोनी जन्मसु सद योनय देवाद्या, सद जोनी कौन हो गया देवादे, ऊपर के जोनी मनुष्य से बढ़ते हैं, तेषु हि सात्विकम इष्टम फलम भोज्यते, देवादि योनि में जाकर के क्या होता है सात्विक कर्म का फल को भोगते हैं। असत योनय पश्वाद्या, असत योनि हो गए स्थावर योनि पशुवादि योनि, तेषु हि तामस अनिष्टम फलम, वहाँ पे तामसिक वृत्ति अधिक रहने का कारण वो अनिष्ट फल उसको भोग करना पड़ता है भोज्यते। और सत असत योनय धर्म धर्म मिष्ठितत्वा, सदस्य जन में वहाँ धर्म भी है, अर्थात मिला हुआ होने के कारण ब्राह्मणाद्या मनुष्य, ठीक है ना, जिसमें धर्म की मात्रा अधिक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य, तेषु भी राजस्व मिश्रम फलम भोजते, वहाँ पे राजस्व का मिश्रित फल करते हैं। अतः तत्र अस्य पुरुषस्य गुण संग्रह, इसीलिए उस स्थान में इस पुरुष का जो गुण के साथ तादात्म्य कर लिया, सत्य रज तम गुणात्मक प्रकृति तादात्म अभिमान एवं कारण है ना, पूर्व गुणसंग सदस्य जोने के लिए कारण है। ये गुणसंग क्या है वो बोलने, देखो गुणसंग अर्थ क्या है, सत्य रज तम गुणात्मक प्रकृति उस है ना, उसका उसके साथ तादात्म अभिमान मतलब एकत्व के अभिमान, बस यही हमारा सदस्य जोने प्राप्ति का हेतु होता है। ये अभिमानी जो है हमको अहंकार जो है अथवा भोक्तित्व की इच्छा, यही हमारे अगले जन्म के लिए हेतु बनता है, अभिमान एक कारण है। न तो असंग तस्व स्वत संसार इति अर्थ, असंग पुरुष में स्वत तो संसार है नहीं, असंग ही संघ भी पुरुष को असंग मानते हैं, असंग ही पुरुष संघवाद भी मानते हैं, मानते हुए फिर भी भोक्तित्व यही हो गया, गलती से शरीर के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, भूल प्रकृति के साथ तादात्म्य करते हैं, ये हो गया एक अर्थ। दूसरा अथवा गुणसंग गुणेशु, आपको पता गुणाश गुणेशु वर्तन्ते इति मत्ता न सज्जते, पंचमंत्र में आता तन्न के तृतीय अध्याय में गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्ता न सज्जते, मतलब इंद्रियां विषय के प्रति दौड़ता है, इसको समझ करके उसके साथ तादात्म्यता नहीं करता ज्ञानी पुरुष। तो यहाँ पे गुणा मतलब इंद्रियां गुणेशु, क्योंकि गुण के द्वारा एक उत्प्रेरित होता है, गुणेश मतलब विषयेशु, तो उसके अंदर होता है गुणसंग गुणेशु शब्दादिशु विषयेशु,
ठीक है, विषय वहाँ पर नहीं लिख शब्द सुख दुख महात्मा केशु है ना, वहाँ पर कई किसी शब्द को सुन करके मुझे सुख होता है, किसी को दुख होता है, किसी को मोह होता है। संग उसके साथ मतलब उसका अभिन संग मतलब क्या हो गया, उस प्रकार की वस्तु की प्राप्ति की इच्छा अभिलाष काम इजावत, यही हो गया गुण संग। इस प्रकार के सुख भोगने की इच्छा ही हमारे जन्म के लिए हेतु बनता है, हेतु बनता है। स एव अश्व, इस प्रकार के गुण संग ही अश्व मतलब पुरुष सत असत जोनि जन्म सु कारण सत असत जोनि में जन्म लेने के लिए हेतु बनता है। देखो इस विषय में श्रुति वाक्य दे रहा है, स यथा कामो भवति तत् क्रतुर भवति, जैसे जैसे वासना उनके मन में उठते हैं तद अनुकूल क्या करते हैं संकल्प करते हैं, ठीक है। तद यथा कामो भवति, पुरुष जैसा कामना वाला होता है तद अनुकूल संकल्प करते हैं, फिर क्या होता है तत् यत् क्रतुर भवति तत् कर्म कुरुते, जैसा संकल्प किया तद अनुकूल कर्म करेगा, तद अनुकूल कर्म करेगा। जब कर्म करती तद अभी संपद देते, जैसा कर्म करता है तद अनुकूल फल को भोगता है, उस प्रकार फल प्राप्त को करते हैं। इसलिए बोलता है इति बृहदारण्यक उपनिषद श्रुते अस्मिन् अपि पक्षे, इस पक्ष में भी मूल कारणत्वेन प्रकृति तादात्म अभिमान द्रष्टव्य, इस पक्ष में भी क्या है उस संकल्प अथवा इच्छा को कामना कहाँ पे है, काम और संकल्प पीछे के मन की धर्म है, आप मन के साथ कहता है संकल्प भी मन की धर्म है, बुद्धि मतलब अंतकरण के धर्म है, उसके साथ इस बोलते अस्मिन अपि पक्षे, इस पक्ष में भी मूल कारण तरह मूल कारण क्या है अज्ञान से प्रकृति के साथ तादात्म्यता करना, मूल संग मतलब अज्ञान से प्रकृति के साथ तादात्म्यता कर देना। इसलिए बोलते हैं मूल कारण तरह प्रकृति तादात्म्य अभिमान, प्रकृति के साथ तादात्म्यता की जो अभिमान है वही यहाँ पे भी समझना चाहिए, यही जो है पुरुष के लिए भोक्तृत्व के लिए हेतु बनता है। पुरुष का पारमार्थिक स्वभाव क्या है वो अगले श्लोक से बोलेंगे, कल करेंगे उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवात् वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बधराधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः।